कोई वस्त वेच के एक टाइम का प्रशादा तैयार करके साहब न छकाया। अगले दिन वास्ते फिर रस्त बस्त नहीं है। घरवाली का कोई सिर का गहना सी बेच के ओदा प्रशादा पका के छकाया। इउं जदों भोजन तैयार करके साहब न छकान लगे तां इन्हां दा एक छोटा बालक ओ किते शरार ਕਰਾਲੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ, ਗਰੀਬਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। महाराज जी कहंदे आवाज मारो, उठाओ उसनू। कहन लगी जी साडी आवाज नाल नहीं उठना। पातशाह कहंदे की ना है? कहंदे लाला। बालक गुरु साहब दे चरणा विच आया, महाराज जी दा प्रसीत प्रसाद छकिया। अगले दिन उस बच्चे नूं वेचण लई चले ने कि सतगुरां लई भोजन तैयार करना। महाराज जी नूं पता लगा, पुछिया उस बच्चे नूं, तेनूं पता किथे लै चले है? वेचण चले हन जिथे तेनूं तेरे मालक दे घर विच जा के उहदे हुक्म दी पालना करनी पएगी। मन्नेगा? कहिंदा जी हां, मैं अपने खावन दे हुक्म दी पालना करांगा। सतगुरु जी ने गोद च लै के उस बच्चे नूं गल नाल लाया ते शब्द उचारिया, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सुभागा, गुर की बचनी हाट बकाना, जित लाया तित लागा। ए पावन बचन दी व्याख्या आपां कल दे प्रसंग च सरवण कीती है। इस बच्चे नूं ओरे दे मां बाप नूं किरतार्थ करके गुरु नानक साहब एक नगर विच आए ने, एक सिख दे घर चरण पाए ने, जेड़ा साधुआं संतां दी सेवा टहल करदा ते पुछदा है साधु दी सेवा दा महत्म की है। सतगुरु जी दी सेवा करके ने सतगुरां नूं भी यही सवाल कीता, महाराज तुसी पूर्ण ते वली कामल पुरख हो, किरपा करके मैनू जवाब दिओ, क्योंकि बड़े बड़े साधुआं संतां ने मैनूं जवाब दिता पर मेरे मन दी तसल्ली नहीं होई, संतुष्टि नहीं होई। गरीबनवाज सतगुरु जी किरपा कर रहे हन, आओ मन बिरतियां एकाग्र करके जगत गुरु गुरु नानक साहब जी दी अमृतमयी कथा सरवण करिए। एकाग्रता बनाउण नमे ताखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। दोहरा कहे बनाए अनेक बिद, मेरी निशाना होए। सतगुरु जी नूं बेनती करके पुछदा है, महाराज मैं बहुत साधुआं कोलों संतां कोलों पुछ बैठिया कि साधु सेवा दा महात्म की है, उहदा फल की है साध मिले दा। उहनां ने बहुत जवाब बना बना के मैनूं दसे हन पर मेरे मन दी संतुष्टि नहीं होई। पूरन सतगुर आप हो उत्तर दीजै सोए। महाराज जी तुसी पूर्ण पुरख हो, आप दी कृपा करके मेरे मन दे शंके दी निर्वृत्ति लई पूर्ण जवाब दिओ ता जो मेरे मन नूं संतुष्टि प्राप्त हो जावे। चौपाई करुणा निध इउं बचनी उचारा। सुन के करुणा दे अथाह समुंदर गुरु नानक साहिब जी महाराज जी बोले उस सिख नूं, कहण लगे जावो बड़ी उजार मजारा। महाराज जी कहंदे सिखा इहदा जवाब तेनू एक जगह ते मिलेगा, ओ टिकाणा तेनू दस दिने आ। इथों कुछ दूरी ते एक उजाड़ मिलेगा, उत्थे एक दरखत है, उस जगह ते तू चला जा। तहां तरोवर एक सुहाए। उत्थे एक बड़ा सोहना दरख्त शोभनीक है,
ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਉਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗਯੋ ਉਜਾੜ ਸੋਹੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਇਓ ਬਿਰਖ ਬਤਾਇਓ ਜਹਿਵਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬੈਠਿਓ ਤਹਿਵਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਤਰੂ ਪਰ ਦੇਖੀ ਬਾਇਸ ਦੋ ਬੈਠੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਕਾਂ ਕਾਵਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਇਸ ਬੇਬਕ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਗਲੇ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਤ ਕਬੀਰ ਬੈਠਿਓ ਹਟ ਆਇਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੋ ਵਸ ਬਹਿਨੀ ਅਲਾਇਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੁਮ ਭੇਜਿਓ ਤਹਾਂ ਸਿਧਾਇਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਉੱਤਰ ਪਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਪਾਖਿਓ ਪ੍ਰਭਾਤ ਬਹੋਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਕੱਲ ਫੇਰ ਜਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਫੇਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਉੱਤਰ ਲਿਓ ਜਾਏ ਤਿਸ ਠੋਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਇਸ ਪਾਏ ਗਯੋ ਤੈ ਕਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਗਿਆ ਬਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਈ ਮਰਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕਦਮ ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬਗਲੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਦੇਖ ਤਾਂ ਹਟ ਕਰ ਪੁਨਿਆ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਬ ਦਿਨ ਬਾਇਸ ਬਕ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਗਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਆਜ ਮਰਾਲ ਪਿਖੇ ਮੈਂ ਦੋਏ ਅੱਜ ਉਹ ਬਗਲੇ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀਨੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਮਮ ਮਤ ਰਹਿ ਪੀਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਿੱਜਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਦਾ ਸਾਧ ਮਿਲੇ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰ ਜਾਓ ਤੈ ਥਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪਾਏ ਜਾਏ ਤਵ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸੰਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਅਵਸ਼
इस बार फिर जाई एक बार, इस बार तेनू तेरे सवाल दा जवाब जरूर मिलेगा। जहां विराजित है सी हंसा, जिथे ओ हंसा दा जोड़ा बैठा है उसे जगह ते फेर जावी। गम ने ओट पर बात बहोरी, अगले दिन फेर सवेरे लो लगी, ए फिर महाराज जी दे बचन मान के उसे जगह बल गया। हंसन देख के जब इस ओरी, कहंदे जदो ना हंसा दे जोड़े ने इस बल वेखिया, सो मानुक तन तूरन होए। कहंदे ओ हंस जेड़े सन ओ मानवी शरीर विच आ गए, ओ मनुखा दा जोड़ा नर स्त्री दा जोड़ा हो गया। बैठे तरवर के तर दोए, दरखत तो थले आन बैठे एदे कोल, जाए निकट कह पैरी पाना। कोल गया ते उना नू जाके कहंदा जी पैरी पवना, क्योंकि पैरी पवन दी बात हुंदी सी दसवें पातशाह तक। जदों गुरसिख आपस विच मिलदे ही कहंदे सी पैरी पवना। अज भी उदासी संपर्दा विच जेड़ा उदासी भेख है उहदे विच अज भी जदों महात्मा आपस विच मिलदे हन तां उह दूरों वेख के कहंदे जी मत्था टेकदा हां उहनां विच इस तरह दी, क्योंकि उह संत बिरती है। खालसे नूं संत ते सिपाही महाराज जी ने बनाया है, कलगीधर पातशाह जी महाराज जी ने सानूं फतेह बख्शी है। पैरी पवना छोड़ो मते, आगे आवत सिंह जो पावै वाहिगुरु जी की फतेह बुलाव है। फतेह बुलाण दा हुक्म हो गया महाराज कलगीधर दा। उस तो पहला पैरी पवन दी मत सी, इन्हे जाके ओ जेड़े हंसा तो मनुख बने उहनां नूं जाके सिख कहंदा जी पैरी पवन दा हां। बैठियो तैं सो बचन बखाना, उहनां दे पास जाके ए सिख बैठ गया ते बैठ के बोलिया, साध मिले को फल क्या होई। कहण लगे जी मैनू तीन दिन हो गए ने इत्थे तुहाडे कोल आउंदिआं, मैं जानना चाहुंना भी साध मिले दा फल की है, भी साधू मिले साधू नूं मिलन दा की फल प्राप्त हुंदा है, मैं ए जानन लई आया हां। मोहे बताए दीजिए सोई, तुसी कृपा करके मैनू एदा जवाब दियो, मैं जानना चाहुंदा हां। सुनत श्रोण तिन बचनी उचारे, सुन के अगो जेड़े ओ मनुख होए सन हंसा तो ओ बोले इस सिख नू कहण लगे, अब लो मन ने निशा तुम्हारे। अज तीजा दिन हो गया तेनू इत्थे आउंदिआं ते हाले तक तेरे मन दी तसल्ली नहीं होई कि तेनू हाले तक भी तेरे सवाल दा जवाब नहीं मिलिया। पूरब बायस देहे हमारा, तू वेख्या जदों तू पहले दिन आया है उस दिन दी दे सी, पग होए तव दर्श न्यारा। जदों असी तेरे दर्शन कीते, तेरे दर्शन करके असी कावां तो बगले हो गए, तुम करुणा पुन पए मराला। तेरे दर्शन कीते ते बगलिया तो असी हंस बन गए, दई दरस अज तू दर्शन दिते ने ते सानू निहाल कर दिता, असि इस मानवी शरीर विच आ गए हां। पुन आयो होए नर नारी, असि नर नारी दे रूप विच आ गए हां तेरे दर्शन करके, साध मिले फल लियो बिचारी। ए सब साधु नू मिलन दा फल है, साध मिले दा एही महात्म है, ए तेनू दस्या। तन तन है सतगुर तेरे, होए पतत पावन जिन हेरे। कहन लगे दोवें कहंदे सिखा तेरे सतगुरु जी धन हन, धन हन जिन्हां ने साध रूप हो के संसार च अपना तन धारिया है, हैण निरंकारी साध रूप हो के संसार विच आए ने तेरे सतगुरु जी धन ने, तन ने जिन्हां दे दर्शन कीतेआं सारे कलुख सारे पाप कट्टे जांदे हन। तिनको दर्शन हमें करावो, तू उहनां दे दर्शन करके आया ते आ के उहनां नेत्रां नाल साडे वल वेख्या ते सानू आ अवस्था प्राप्त हो गई है,
ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਕੋ ਪਰਮ ਮਿਟਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਹਾ ਮੋਹ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ। ਦੋਹਰਾ ਹਰਖਤ ਵੈ ਤਿਨ ਸੰਗ ਲੇ, ਚੱਲ ਆਏ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਹੋਏ ਅਧੀਨ ਬੰਧਨ ਕਰੇ ਕਟੀ ਮੋਹ ਕੀ ਫਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਜੋ ਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੰਨਿਓ ਨਿਸ਼ਾ ਤਵ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਾਂ ਸਿੱਖਾ ਹੁਣ ਦਸ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਸ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀਨ ਬਿਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਦੋਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਜਬ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਖੁਦ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਤੈ ਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਨੈ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਸੀਦ ਬਿਸਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੀਦ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਸੰਤ ਸੇਵ ਨਾਸ਼ੇ ਇੱਕ ਬੇਰੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਾ ਲਬਦ ਸੋ ਭੋਗਨ ਭੋਗ। ਪਰਾ ਲਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭੋਗ ਹੁਣ ਭੋਗਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪੌਰੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਰ ਲੋਗ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਪਰਾਲਬਧ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਹਰੀ ਲੋਗ ਦੀ, ਹਰੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਬਰ ਦੇ ਕਰ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਲੁਖ ਮਿਟੇ ਜੈ ਕਰਤ ਧਿਆਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਪੁੰਨ ਆਏ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸੇਵਕ ਹਰ ਥਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੁਨ ਗਮਨੇ ਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੇ ਦਰਸ ਨਰ ਕਲੁਖ ਨਸਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲੁਖ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਨਮੇਂ ਨਮੇਂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਨਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਅਨੂਪ। ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 45ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਹੈ।
अध्याय आरंभण तो पहला मंगला चरण करते हैं। कहते नमह नमह पुन पुन नमह, नमस्कार करदा हां नमस्कार करदा हां, एक बार नहीं बार बार नमस्कार करदा। किसनू करदा हां नमस्कार? सतगुर बचन अनूप। नमस्कार करदा हां बार बार नमस्कार करदा हां। किसनू करदा हां नमस्कार? सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे पावन बचना नू, गुरु की बाणी नू बारंबार नमस्कार करदा। सतगुरां दी बाणी नू मेरी बारंबार नमह है, नमह है, बार बार नमस्कार है। जिनके सुनते उताज कष्ट, जाने सहज स्वरूप। जिना पावन अमृत बचना नू सुन के सारे कष्ट तज के चले जांदे ने, और अपने सहज स्वरूप दी आत्म स्वरूप दी सोझी हो जांदी। गुरु की ऐसी पावन बाणी नू मेरी नमस्कार है। जिस बाणी नू सुनदिया सारे कष्ट दूर हो जांदे हन और सहज स्वरूप दी प्राप्ति हो जांदी है। जो पई श्री अंगद सुन कथा अगारी। ए गुरु अंगद देव साहब जी, ए पावन कथा आप जी सुनो। भाई बाला जी ए कथा सुनाउंदे हन। जो सब श्रोतन को सुखकारी। ऐसी कथा है जेडी संसार दे समस्त स्रोतियां नू, जेड़ा जेड़ा भी कोई माई भाई सुने, कोई हिंदू सुने, सिख सुने, मुसलमान सुने, ईसाई सुने, यहूदी सुने, पारसी सुने, जोगी सुने, जंगम सुने, सन्यासी सुने, वैरागी सुने, जेड़ा जेड़ा भी गुरु नानक साहब दी इस पावन कथा नू सुनेगा ओनू सुख प्राप्त होवेगा। पुर करतार विखे तब आए। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी श्री करतारपुर साहब चल के आए। बहर न कित दिश वहर सिदाए। महाराज जी दा अखीरी फेरा सी, इस तो बाद महाराज जी करतारपुर साहब तो किते होर नहीं गए। तो करतारपुर साहब ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी विराजमान रहे। सवा जाम निस रहे सदाई। सवा पैर रात रहिंदिया अमृत वेले सतगुरु गुरु नानक साहब दा नेम नित दा सी गुरु खालसा जी। बचपन तो ही बालपने तो ही महाराज जी ने जिस दिन तो सुध संभाली है उस दिन तो ही गुरु नानक साहब दा ये नेम रहा सवा पैर रात रहिंदिया अमृत वेले जागने दा। तो जदो सवा पैर रात रहिंदी अमृत वेले दा समा हुंदा है। जागे बौर वहर को जाई। सुबह दो ढाई बजे सतगुरु जी उठदे, उठ के करतारपुर साहब अपने महलां चो चल के बाहर नूं आउंदे। ऐरावती विखे इशनाना। करतारपुर साहब दे नेड़ेओ रावी वगदा है। सतगुरु जी रावी दरिया दे कंडे दे निर्मल जल दे विच आ के इशनान करदे हन। कर बैठे तट लाए ध्यान। और इशनान करके रावी दे कंडे ते अमृत वेले महाराज जी चौंकड़ा ला के बैठदे है और अपने निज ध्यान परायण हुंदे हन। चतर कटी निस ते पुन्य आई। चार घड़ियां रात रहिंदिया अमृत वेले बैठे धर्म साल सुखदाई। जदों चार घड़ियां अमृत वेला रह जांदा है फिर पातशाह जी धर्मशाला च आ जांदे है। महाराज जी दरबार विच आ के दर्शन देंदे हन। होत कीर्तन श्री सतनामो। ते सतगुरां दे दरबार विच कीर्तन हुंदा, आसा जी दी वार दा कीर्तन हुंदा है। सुनत प्रेम उपजे अभिरामो। जेड़ा जेड़ा भी माई भाई आ के गुरु दरबार च कीर्तन सुनदा है ओदे हिरदे विच गुरु साहब जी प्रति प्रेम, परमात्मा प्रति प्रेमा भगती जागदी है। सहदो क्यों एक संगत माई। गुरु की संगत विच बेअंत सिख आउंदे ने, उना सिखां विचो एक सिख है जेदा नाम है भाई सहदे कियो, एदा नाम है दिड़ शरदा जे के उरमाई। एदे मन विच गुरु साहब जी प्रति दृढ़ शरदा,
भाई सहदे घीओ रोज अमृत वेले महाराज जी दे दरबार विच आउंदे ने, आके कीर्तन सुनदे ने, बड़ी परपक ते दृढ़ श्रद्धा सतगुरां ते। पिक बिरतंत गुर को सो परमा, ये अमृत वेले सतगुरु जी दा बिरतांत वेखदा, रोज महाराज जी नूं वेखदा वी सतगुरु जी रावी दरिया वल जांदे है ते उत्थे इशनान करदे, रोज रावी कंढे जांदे आ सतगुरां नूं वेखदा, वेख के मन च इहदे भरम आया, लख नै सके ओ गूढ़ जो मरमा, सतगुरां दा जिहड़ा गूढ़ मरम है ओनू भाई सहदे घीओ जी नहीं जान सके, मन च जिवें सुभावक ही भरम आ गया। इस बिद जानी तिन मन माई, भाई सहदे घीओ दे मन च इउं फुरना आ गया, उन्हें अपने मन च इउं जानिया, इस मैं श्री गुर सरता जाई, ये सतगुरु जी रात नू दरिया दे कंडे जांदे ने, रात नू अमृत वेले रोज सतगुरु जी दरिया ते जांदे हन, तहां बैठ जल पत को सेवें, लगदा है उथे जा के सतगुरु जी जेड़ा जल दा देवता जिनू लोग ख्वाजा भी कह देंदे ने, वरण देव भी कह देंदे ने, लगदा गुरु साहब ओदी आराधना करदे ने, उथे मन च सुभावक ही ओदे भरम है ना, भरम कदे भी आ सकदा किसे तरह दा भी भरम, भरम है ही ओ जेड़ा मन लईए होवे ना, माधवे क्या कही है, भरम ऐसा जैसा मानिया होए ना तैसा, जिहो जा मन लेना हो जा है नहीं उन्हूं भरम कहिंदे आ। भाई सहदे की उहदे मन च भरम आ गया, मन ही मन सोचण भी आ, मैं मन च सोचदे भी गुरु साहब रावी दरिया दे कंडे जांदे ने रोज सवेरे, लगदा उत्थे ख्वाजे नूं आराधदे ने, जां उत्थों दा जिहड़ा वरण देव मुसलमान ख्वाजा कह दिंदे ने, हिंदू वीर वरण देव कह देंदे ने जल दे देवते नूं, कहंदे जी जल दे देवते दी उत्थे आराधना करदे ने, इउं जापदा है, मन बांचित जाचे सो लेवें, उस वरण देव दी आराधना करके जो उहनां नूं चाहीदा उत्थों लैंदे होणगे, करी वरण की सेव कनेरी, गुरु जी ने लगदा वरण देवता दी बड़ी बंदगी कीती आ, उहदी बड़ी सेवा कीती है, यां ते अजमत बदी बदेरी, तां ही गुरु नानक साहब च एडी वड्डी कला, तां ही उहनां विच एडी वड्डी अजमत, वेखो भरम किहो जिहा आ गया सिख दे मन च, कहिंदा लगदा तां ही उहनां विच एडी वड्डी करामात है, कला विशाल ताएं ते पाई, वरण देवते कोलों ही इहनां नूं विशाल कला प्राप्त होई, सब जग की लीनी गुरियाई, सारे जगत दी गुरियाई इहनां नूं प्राप्त होई है, ते लगदा वरण देव दी कृपा है इहनां ते, मैं अब सेव करूं बहुताई, सोचदा सहदे घीओ क्यों ना मैं भी वरण देव दी सेवा करया करां, गुरु नानक साहब जी दी सेवा करके गुरु हो गए ने संसार दे, ते मैं भी उसे वरण देवता दी जाके सेवा करां, उहदी आराधना करां, प्राप्त होए कला मुझ माई, मैनू भी कला मिल जाएगी, मैं भी करामाती हो जाऊंगा, मैनू भी अजमत मिल जाएगी, इउं भाई सहदे घीओ दे मन च संकल्प आया, इस प्रकार उर मैं ठहराई, मन विच इस तरह दा फुरना सहदे घीओ ने कीता, बीती निस जब पैर अटाई, जदों ढाई क पैर रात बीत गई, तब सो गमनियो सरता तीरं, कहंदे सहदे घीओ भी पिछे पिछे रात नूं हनेरे विच दरिया दे कंडे नूं चल पिया, मिलियो पंथ इक मनुख शरीरं, जदों सहदे घीओ दरिया वल जान लगा ते दरिया दे नेड़े इक बंदा ਉਹ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਘੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਤ ਸਹਿਦੋ ਬੂਜਨ ਕੀਨਾ, ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਘੀਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਅਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਤ ਕੋ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਹਿਦੇ ਘੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਸਮੈ
तस कर कैसे के आई। रात दा वेला तू कोई चोर है जा गुरु घर दा कोई सेवक सिख है। सुन के उत्तर दी नौताई। अगो ने जवाब दिता वो कहन लगा मुझको तस कर लखिए नाई। कहन लगा भाई सैदा जी मैनू तुसी चोर ना समझो। सगरी सरता को पत जानो। आ जेड़ा दरिया वगदा रावी मैं एदा पति मैनू वरुण देव कहिंदे हन। नाम वरुण मेरो पहचानो। मैनू वरुण देव भी कहिंदे ने ते लोक मैनू ख्वाजा कह के भी बुलाउंदे ने। श्री गुरु को हो पूजन जावो। दीन दुनिया दे मालक गुरु नानक साहब जी आए ने मेरे दकंडे ते मैं उना दे चरना दी पूजा करन रोज जांदा हां। रोज उना दे चरना नू मनाउंदा उना दे चरना नू पूजदा हां। दर्शन नित प्रत कर आवो। और नेता प्रति उना दे दर्शन करके आउंदा हां। सुन के सैदो गिरा उचारी। सुन के अको सैदे की ओ जी बोले कहन लगे मैं तो उर कछ और बिचारी। कहन लगे अच्छा एकदम हैरान हो गए कहिंदे मैं तां अपने चित च कुछ होर ही सोची बैठा सी मैं तां कोई होर ही मन च विचारी बैठा सां। श्री गुर सेवा करे तुम्हारी। मैं तां ए सोच बैठा भरम करके के सतगुरु जी तेरी सेवा करदे ने ओ तां तेरी आराधना करदे ने। या ते अजमत भी तिन पारी। तां उना विच करामात आई है तां ओ अजमती होए ने। रिद्ध सिद्ध तुम ते सब पाई। उना ने तेरे कोलो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कीतियां ने। इस बिद की गत चित ठहराई। मैं तां अपने मन च आ कुछ सोची बैठा हां। चलियो हो तो तव सेवा कर। मैं तां तेरी आराधना करन चलिया सी अज तेनू ही आराधना आ रहा सी। मिल के तुम सब की नी उचारन। तू मैनू रस्ते च मिल गया वरुण देव ते सारी गल मैनू दस दिती है। तुम जो तिन को पूजन जावो। जे तू उना नू पूजन जांदा है ओ निज मन क्यों परमावो। ते फिर मैं अपना मन क्यों परमावा जिन्हां नू तू पूजदा मैं फिर उना दी पूजा क्यों ना करा। आखो सतनाम श्री वाहे। मैं क्यों फिर मन भरमा के उना नू छड़ के तेरे वाले पासे ध्यान करा। सुन के वरुण पनी पुन बानी। सुन के अगो वरुण देव बोलिया श्री नानक लख गन गुण खानी। कहन लगे सिखा गुरु नानक साहब जी समूह गुणा दे मालक ने स्वामी हन। नर ने उदारन हित अवतारा तरियो देह निज श्री करतारा। उदारन कारण में कल मैं लियो अवतार। ओ तां कलयुग दे विच जीवां दे पार उतारे वास्ते अवतार धारण करके आए आप दीन दुनिया दे मालक मेरे सिरजनहार हन। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण। गोपाल है गुरु गोविंद रूप है गुरु पूर्ण नारायण अकाल पुरख परमेश्वर दा स्वरूप हन। गुर दयाल समरथ गुर दयाल है गुरु समरथ देव हन। गुर नानक पत ते उदारने। गुरु नानक साहब साडे वर्गे पतत जीवां नू उधारने वाले उधार करता हन। दृढ़ श्रद्धा तर परमो नाई। ऐ सिखा गुरु ते दृढ़ श्रद्धा रख परम ना कर अपने मन विच मेरे वर्गे खबरे किन्ने क वर्ण ने जेड़े उना दे चरणा नू पूजदे हन। कितने वर्ण ने मेरे वर्गे जेड़े उना दे चरणा नू आराध दे हन। चरण कमल सेवो तुम ताई। सावन तुदनो पौन पानी बैसंतर। पता नहीं कितने पौन पानी ते बैसंतर देवते आदिक सब ओदी सिफत नू गायन करन वाले हन। सुन कर सैदो कियो ते काला। के
भाई सहदो घीओ जी आयो जै बैठो प्रभ दयाला आए जिथे दयालु प्रभु गुरु नानक साहब जी बैठे हन अभिबंधन कर बैठ समीपा पातशाह दे चरणा ते वंदना करके कोल बैठ गए एक बोले बेदी कुल दीपा भाई सहदे घीओ नू वेख के बेदियां दी कुल दे दीप बेदी कुल श्रोमणी बेदी कुल सिरबोर बेदी कुल केतु जगत गुरु गुरु नानक साहब जी बोले क्यों आयो निसा मजारी महाराज कहंदे भाई सहदिया तू इनी रात नू क्यों आया आवत तो होत पुन सारी तू ता के लो लगे आया करदा है निज बिरतांत तिन सर्ब बखाना भाई सहदे ने अपने मन दा सारा बिरतांत हाल गुरु साहब नू सुनाया प्रभ जी तुमरो भेद न जाना अंतरयामी साहब मैं तुहाडा भेद नहीं जान सकिया या ते मैं परमियो मत मूडा महाराज मैं माड़ी मत वाला भरम च पै गया सा अब मैं लखियो प्रताप जुगूडा मैं आप जी दे वड्डे भारी महान प्रताप नू जानिया है सब बिद सुन के श्री गुण खानी सर्व प्रकार दी पातशाह ने बेनती गुणा दी खान सतगुरां ने सुनी उच्चरियो शब्द मृदुल मुख बानी गुरुदेव दा पावन शब्द खालसा जी ए जड़ा सलोक अगे उचारण हो रहा है माझ दी वार दा गुरु अंगद देव साहब दा उचारण कीता होया गुरु नानक साहब जी दे अंदर उस वेले जेड़ा भाव सफुरत होया ओ गुरु अंगद देव साहब ने उचारण कीता गुरु नानक गुरु अंगद साहब दोवें एक रूप हन शब्द गुरु अंगद साहब दा अगे आ रहा है पर भाव जेड़े उस वेले गुरु नानक साहब दे हिरदे च आए भाई सहदे घीओ प्रति ओ गुरु अंगद साहब दे हिरदे च सफुरत हो के रसना दे उत्ते आए हन सुनो जी ओ सलोक जो गुरु अंगद देव साहब ने उच्चारण किया हां जी श्री मुखवा सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर सलोक महाराज दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव साहब उचार रहे ने क्योंकि ये जन्म साखी गुरु अंगद साहब ने लिखवाई है भाई बाला जी ने उचारी है भाई पैड़े मोखे ने कथा लिखी सी सारी ओदे च गुरु अंगद साहब दे पावन बचन ने गरीबन बाग साहब जी फरमाउंदे ने अठी पहरी अठ खंड अठ पहरां विच अठां नू खंडो नावा खंड शरीर ते नौवा इस शरीर नू खंडो हुण अठ पैरां विच केड़े अठ खंडने है खंडन दा मतलब है भी खत्म करने टुकड़े टुकड़े करके नाश करना अठां पैरां विच चार पैर दिन देने चार रात देने अठ पैर हो गए अठां पैरां विच अठां नू खंडना है अठ केड़े खंडने है पंज ने विकार काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंज हो गए ते तीन ने रजोगुण तमोगुण सतोगुण तिने गुण ते कुल गिणती हो गई अठ इना अठा नू खंडो काम क्रोध लोभ मोह हंकार नू रजो तमो सतोगुण तो उपर उठो इना नू खंड के नावा खंड शरीर आ जिहड़ा शरीर है नौवें इनू भी खंडो इहदी ममता नू छड्डो इह शरीर दी हंगता ते ममता दा त्याग करो खालसा जी गुरु अंगद देव साहब दे बड़े प्यारे अमृत बोल हन हां जी तिस विच नौ निद नाम एक पाले गुणी गहीर इहदे विच परमेश्वर दियां नौ निधियां दा खजाना अमृत नाम वसदा इस काया विच जेड़े गुणी गहीर लोक ने जग्यासु ने ओ अपनी इस काया विचों परमेश्वर दे अमृत नाम नू पालदे हन यानी कि रसना नाल जपदे ने और अंदर जेड़ा खूटा भरिया होया अमृत दा अंतर खूटा जेड़ा अमृत जल नाल भरिया होया ओनू अपने अंदरों खोजदे हन कर्मवंती सालाहिया नानक कर गुर पीर कर्मा वाले ने उन्हां ने सलाया उस परमेश्वर नू किवें सलाया गुरु नानक साहब नू सिखां ने अपना गुरु मन्या हिंदुआं ने अपना गुरु मन के और मुसलमाना ने अपना पीर मन के उस नू सलाया परमेश्वर नू नानक कर गुर
पीर सिख गुरु साहब नू गुरु मनदे, हिंदू भी गुरु मनदे, मुसलमान ओ गुरु साहब नू अपना पीर मनदे। कहिंदे गुरु नानक साहब नू अपना गुरु पीर जान के करमां वालिआं ने भागां वालिआं ने परमेशर नू सलाया है। चौथे पैर सबाहा के और सुरतियां उपजे जाओ। चौथा पैर सबाहा के यानी कि सुबह दे अमृत वेले दे, चौथा पैर अमृत वेला, सुबह दा चौथा पैर अमृत वेले दा समा। जेड़े सुरते ने ना सुरते सुरतिया सुरतिया सो रतिया, जेड़े परमेशर दे प्रेम दे रंग विच श्रेष्ठ रंग च रंगे हुए रब दे प्यारे ने, ओ सुबह दे चौथे पैर यानी कि अमृत वेले उठ के तैयार बर तैयार हुंदे ते उन्हां अंदर चा जागदा है। सुरतियां उपजा चाओ, उन्हां नू रात नू सौण तो पहला ना उन्हां अंदर चा हुंदा भी सवेरे अमृत वेले उठ के बाणी पढ़नी इशनान करन। जद उठदे आ सुबह चा जागया हुंदा, उन्हां दे नेत्रां च रंग नेत्रां च मस्ती हिरदे च चाह हुंदा है। तिना दरियावां से दोस्ती मन मुख सा सच्चा नाओ। तिना दरियावां से दोस्ती, कहंदे जद अमृत वेले उठदे ने रब दे प्यारे फिर उन्हां दी दरियावां नाल दोस्ती हुंदी जल नाल, यानी कि इशनान पान करदे जाके। माने मोखे मन नन्ने नू भी सहारी लगी है ते मुख दे खखे नू भी सहारी लगी है। जे मन मुख कह देंगे ते मन मुख वाचक तो बड़ा माड़ा शब्द हो गया, भी जेड़ा मन पिछे चले सहारी ला के पातशाह कहंदे उना दे मन विच भी उना दे मुख विच भी परमेश्वर दा सच्चा नाम हुंदा जदों अमृत वेले इशनान करदे है। चौथे पैर सुबह दे अमृत वेले सुरतियां नू चा जागदा है, प्रेमियां दे हिरदे च प्रेम जागदा है और दरियावां नाल दोस्ती यानी कि जल नाल जाके इशनान कर दे। इशनान करके फिर जदों इशनान कर दे उहनां दे मन विच भी वाहिगुरु, मुख विच भी वाहिगुरु, उहनां दे मन ते मुख दोनां विच परमेश्वर दा सच्चा नाम है। ओथे अमृत वंडीऐ करमी होए पसाओ। ओथै अमृत वंडीऐ, अज इत्थे आप जी बैठे हुए दी गल ओथै इहनूं कहा संगत नूं गुरु अंगद साहब कहिंदे आ भाई जिहड़ी साध संगत आ उत्थे अमृत ही वंडिया जांदा है, नाम अमृत दी गल हुंदी है, नाम अमृत दा मीह वरसदा इत्थे अमृत वंडिया जांदा है। परमेश्वर दी किरपा नाल कहिंदे अकाल पुरख परमेश्वर दी इह दात नाम अमृत दी दात प्राप्त हुंदी है जदों परमेश्वर दी कर्म बख्शिश होवे। कर्मां नाल परमात्मा दी दया नाल ही कहिंदे भाई इह पसाओ इह दात पसारा पता प्राप्त हुंदा है, क्योंकि साध संगत रूपी जिहड़ा स्थान है उत्थे अमृत वंडिया जांदा है। उत्थे अमृत वंडिया सुखिया हर करने। हां जी, कंचन काया कसीए वन्नी चढ़े चढ़ाओ। जिन्हां ने अपने शरीर ते आ शुभ गुणा रूपी सोने नू कस लिया और परमेश्वर दी प्रेम दे रंग दी वन्नी अपने शरीर ते रंगन चढ़ा ली है। जे होवे नदर सराप की बौड़ न पाई ताओ। कहंदे जदों इओं शरीर ते सोना चढ़ गया शुभ गुणा दा, परमेश्वर दे प्रेम दी रंगन चढ़ गई, जदों परमेश्वर रूपी सराप दी निगाह पवेगी ना, जदों वेखेगा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਤਪਾਣ ਵੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਤਪ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਤਪ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਰਾਫ ਦੀ ਸਰਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਓ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਠੀ ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਰੇ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਤੀ ਪੈਰੀ ਸੱਤ ਪਲਾ ਬਹੀਏ
ਪੜਿਆ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ? ਅੱਠਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤ ਪਹਿਰ ਬਚੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਪਹਿਰ ਨੇ, ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਪਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੇ ਭਾਈ ਸੱਤ ਭਲਾ, ਸੱਤ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਬਈਆ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸ ਬੈਠਣਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਾਸ ਵੀ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੂੜੇ ਘੱਟੇ ਰਾਸ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਰਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟੇਗੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਰਾਸ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪੂੰਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਖੋਟੇ ਸੱਟੀ ਹੈ ਖਰੇ ਕੀਚੇ ਸਾਬਾਸ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਧੰਨ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਭਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖਸਮੇ ਪਾਸ, ਬੋਲਣ ਫਾਦਲ ਨਾਨਕਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਫਾਦਲ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਪਾਸ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੋਪਈ ਸੁਨ ਬਾਣੀ ਕੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਸਨ ਉਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਘਿਓ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਉਪਜਦਾ, ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਘਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭਜਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਘਿਓ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਗੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਘਿਓ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਬਹੁਰੇ ਉਚਾਰੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ,
अपने दर्शन दारे दे के किरतार्थ करदे हन। ओत कीर्तन प्रेम बिसाला जिथे अठे पैर निरंतर रबी बाणी दा कीर्तन हुंदा सतगुरां दे दरबार विच गुरु के सिख प्रेम सहित कीर्तन सुनदे हन। देश देश ते सुन जस गुर को देशां विदेशां तो सतगुरां दा जस सुन के मानव आए प्रेम कर उर को हिरदे दा प्रेम धारण करके बहुत सारे मानव सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे दर्शन करन वास्ते श्री करतारपुर साहब चल के आउंदे हन। आए सकाम सुपूरन होवे जेड़ा कोई कामना रहत कामना सहित होके आउंदा ओदी कामना सतगुरां दे चरणां चो पूरी हुंदी है। जे निष्काम ज्ञान सुख जीवें और जेड़े निष्काम आउंदे ने उना नू ज्ञान दी अवस्था प्राप्त हुंदी है। पीर पूर नित पुर करतारा श्री करतारपुर साहब संगत दा भारी इकट्ठ हुंदा नेता प्रति होवें देग विशाल आहारा गुरु साहब जी दे लंगर विशाल वरतदे हन। देग चलदी है गुरु की अतुट इतने नू एक गुरु का सिख गुरु चरणा विच आ के बेनती कर रहा है। ओ कथा आप दी अगलिया प्रसंगा विच सरवण करोगे। गरीबन बाज सतगुरु धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज जी दी अमृतमयी कथा कथन करदिया होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा करनी अरदास करनी के सतगुरु जी अगां वास्ते सद बुद्धि और सुमत प्रदान करन। वाहे गुरु 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 अठी पहरी अठ खंड 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 नावा खंड शरीर नावा खंड शरीर नावा खंड शरीर नावा खंड शरीर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु हे अच्युत हे पार ब्रह्म अगनासी अगनास हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुण तास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा बबेत हे अपरंपर हर हरे है पियो हे संतह कै सदा संग धाराया दार हे ठाकुर हों दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान करा कोई है परोए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक ओत नियाल वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार जो शरदा कर से बंदे